तो गाइस फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और आज हम अपनी हरिद्वार की यात्रा आगे पूरी करेंगे। मैं पहुंच चुका हूं यहां ऑटो स्टैंड पे। देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर ऑटो की लाइन लगी हुई है। और यहां से हम ऑटो लेंगे और चलेंगे सीधे यहां से चंडी देवी के मंदिर की ओर। मैं आया तो विक्रम से था, परंतु यहाँ पर बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है। देख सकते हैं इतना लंबा जाम है कि मैं वहाँ से विक्रम से उतर गया। मैंने कहा भाई मैं पैदल जाऊँगा, और वहाँ से अब मैं पैदल आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर विक्रम में जाम पे फंसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं चंडी देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर, और हल्की सांस फूल रही क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। और मैंने प्रसाद भी ले लिया है चंडी देवी का, और अब हमारी यहाँ से आगे यात्रा स्टार्ट होती है। नमक? हाँ डाल लो। गाइस यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा थकान लगी थी और मैं धूप भी लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ये पपीता लिया कटा हुआ। यहाँ पर पपीता मिल रहा था 10 रुपये का ये वाला, तो इसको खाऊंगा मैं थोड़ा, आराम मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। वहाँ से मैंने आगे की यात्रा स्टार्ट कर दी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप यहाँ पर आते हो तो ऐसी दुकानें आपको मिलती छोटी छोटी, तो इनसे आप सामान खरीद लिया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि ये लोग सिर्फ अमीर होने के लिए नहीं कमाते, ये सिर्फ अपने शाम की रोटी के लिए कमाते हैं ताकि दिन भर काम करें और शाम को ये खाना खा सकें। तो इसलिए जब भी आते हो तो ऐसे लोगों से ज़रूर ख़रीदारी किया करो यार, यही आपसे कहना चाहता था मैं। तो गाइस मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बता दूँ तो पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ दो राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया था और देवराज इंद्र की जो गद्दी है उसको छीन लिया था। तो देवताओं ने माता का आह्वान किया पार्वती का, और माता पार्वती ने यहाँ पर आकर शुंभ और निशुंभ का वध किया था, और इसी पहाड़ी पर उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। और इस पहाड़ी को कहा जाता है नील पर्वत। अगर आप चलने में माहिर हो और अगर आप अच्छा खासा चल लेते हो तो आप और भी शॉर्टकट रास्ता ले सकते हैं मेरी तरह। देख सकते हो आप यहाँ पर ऐसे कहीं से भी घुस जाओ अंदर, ये देख सकते हो यहाँ पे फिर साथ सीधा ऊपर निकलेगा रास्ते पे ही, और ऐसे रास्ते ले सकते हो अगर आप अच्छा खासा चल सकते हो। खासकर अगर आप पहाड़ों से हो तो आप मजबूर होंगे कि आप ऐसे रास्ते लो, आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा ऐसे रास्तों का। मेरे भाई जय माता दी, जय भोले भंडारी की। बाबा जी नाम और बता दे चैनल का। बस धर्मेंद्र रावत, सर्च मार लो जी, मतलब भूल जाओगे। आप कहाँ से भाई? हम हरियाणा। हरियाणा? अच्छा हरियाणा से, सोनपत से। आप कहाँ भाई? मैं तो टिहरी गढ़वाल से हूँ। मरो गए आप मनसा देवी मंदिर में? हाँ गए हैं। हाँ जी ये भाभी घूम के आए हैं। अच्छा ट्रॉली से आए वहाँ से? ना 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 भाई पैदल है। पैदल है घर में 8-7 बजे। जय माता दी ब्रो। जय माता दी। चार पांच दिन मैं जस्ट मंदिर के बगल में पहुंच चुका हूँ। मेरे पीछे मंदिर देख सकते हो, और ये
पर्वत है जिस पर्वत पे मंदिर है, इसको कहा जाता है नील पर्वत। ये नील पर्वत है जिस पे मंदिर है। और थोड़े और चलने के लिए बस यहाँ से। और एक बात मैं आपको बताऊँ, जो दोनों मंदिरों में गया मेरे को चढ़ाई, मेरे को यहाँ पे भयंकर लगी यार। यहाँ पे सच बताऊँ मेरी हालत ख़राब हो गई आज चलते चलते। क्या बताऊँ मैं आपको, आपको मेरी आवाज़ सुन के लग रहा होगा कि लड़का थक चुका है। खैर अभी दर्शन तो बाकी है, सारी थकान मिट जाएगी। तो गाइस फाइनली हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, मतलब मैं मंदिर में पहुँच चुका हूँ और अपना प्रसाद मैंने हाथ पे ले लिया है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक चमत्कार लगा मेरे को, जैसे यहाँ पे आया तो मेरी जितनी थकान थी वो सारी दूर होगी। आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। जितनी थकान थी सारी यहाँ पर मिट चुकी है मंदिर में आती। अलग ही चमत्कार है यार सच में। तो गाइस चंडी माता के मंदिर के बाद जा रहा हूँ मैं अंजनी माता का मंदिर, जो कि उसी के बगल में ही है। यहाँ पे सीढ़ियों से होते हुए सामने अंजनी माता का मंदिर है, अब वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ मनसा देवी के मंदिर में आने के लिए उड़न खटोला यानी ट्रॉली की व्यवस्था भी है। अगर आप यहाँ पर पैदल नहीं आ सकते तो फिर आप ट्रॉली द्वारा भी यहाँ पर आ सकते हो। ये मेरे सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्रॉली लगी ऊपर माँ चंडी देवी उड़न खटोला। अभी आ चुका हूँ मैं मंदिर से बाहर नीचे की ओर, ऊपर सामने मेरे मंदिर देख सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आपके पास तीन साधन होंगे, एक होगा उड़न खटोला, दूसरा होगा स्कूटी का। आप यहाँ पे स्कूटी द्वारा भी आ सकते हो, यहाँ पर बारीक रास्ता है स्कूटी के लिए बना हुआ और एक पैदल रास्ता भी है। तो मैंने चूज़ किया था पैदल रास्ता और पैदल रास्ते की से ऊपर आया था मैं। भले काफ़ी थकान लगी पर अच्छा लगा मेरे को पैदल रास्ते आते हुए। और जैसे कोई बुजुर्ग है वो यहाँ पर ट्रॉली द्वारा आ सकता है, किसी को स्कूटी द्वारा आना है तो वो स्कूटी द्वारा भी आ सकता है। और पैदल रास्ता है आना चाहते हो तो आप पैदल रास्ते भी आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आने में।
बिल्कुल मस्त हो गया हो, माता का नाम लेते हुए गुनगुनाते हुए। जय माँ चंडी देवी, जय माँ मनसा देवी। गाइस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। यहाँ पर थोड़ा ठंडा है यार, यहाँ पर पेड़ों की छाँव है और यात्रीगण आ रहे जा रहे हैं। बस इस वाले मंदिर में ज़्यादा यात्रीगण नहीं आए, ज़्यादा भीड़ उधर मनसा देवी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पर आ रहे हैं लोग परंतु ट्रॉली के रास्ते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। देख सकते हो यहाँ पर कोई ट्रॉली द्वारा आ रहा, कोई स्कूटी द्वारा आ रहा, और इस पैदल रास्ते से बहुत ही कमाल लोग आ रहे हैं मेरी तरह, गिने चुने लोग। थोड़ा रेस्ट करते हैं, थक गए बहुत ज़्यादा। हरिद्वार में पहुंचने वाला हूं, ऊपर से मैं आते मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और अब मैं ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए ब्लॉग को छोटा रखेंगे और अच्छा रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला ये कि अगर आपको ब्लॉग वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाएं, और एक बार अपनी हाजिरी दे दें यहाँ पर। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और यहीं पर आप मिलते हैं नई वीडियो के साथ, यहीं पर मैं ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए।